हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। हमने रीजनिंग के डाइस कैलेंडर पढ़ा दिए और कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ा दिया है। अब हम ये घन का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जो कि घन और घनाभ कहा जाता है। घन का मतलब ये होता है कि 3D होता है। इसमें क्या होता है कि तीन भुजाएँ होती हैं, जैसे कि कोई तीन भुजा ले लेते हैं जैसे ऐसे, तो इसमें क्या होता है कि ये एक्स वाई जेड, तो मतलब ये 3D होता है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया घन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे क्यूब, क्यूब का मतलब क्या है, घन मतलब किसी घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, अर्थात यल लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। इस तरह से ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। और इसमें क्या होता है कि घन का सदैव छह फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं। एक घन की 6 सतह होती, कोने 8 होते हैं, कोरे 12 होते हैं। तो इस तरह से ये घन तैयार हो जाता है। वैसे हमने डाइस में बताया था कि घन में फलक भी बताया था, घन को किस तरह से खोला जाता है वो बताया था मैंने डाइस में, ये सारी चीज़ें क्लियर कराई थी। अब हम यहाँ पे आपको ये चीज़ें कुछ बता रहे हैं। जैसे कि अब ये देख लीजिए कि अब यहाँ पे हमने ये घन लिया है। अब इसको जब हम इसको काट के रखते हैं, घन को अलग अलग काटते हैं, तो कितने पार्ट्स में कटता है, तो वो सबसे पहले हम देखते हैं उसका सेंटर पार्ट, फिर उसके बाद एक सतह का रंगीन होगा, मिडिल पार्ट दो सतह का रंगीन होगा, जो यहाँ पे हमने मिडिल बनाया, ये यस यस ये साइड बनाई है, तो यस साइड तीन सतह के रंगीन होगी। जबकि इसको काट दिया जाए तो उसके बाद इस घन के किसी एक तरफ घन को रंग दिया जाता है। तो जब घन को रंग दिया जाता है तो इस तरह होता है, जब जिसकी एक सतह घन की रंगीन हो जाती है तो उस केंद्रीय घनों की संख्या बराबर होता है सी बराबर एन माइनस टू होल स्क्वायर इंटू सिक्स होता है। ऐसे जिसकी दो सतह रंगीन कर दी जाती है घन की, तो उसका मतलब क्या होता है, एम बराबर एन माइनस टू इंटू ट्वेल्व होता है। इसी तरह अगर तीन सतह रंग दी जाती है तो उस घन की यस बराबर 8 होती है। बिना रंगीन रंगहीन व अंतः केंद्रीय घनों की संख्या क्या होती है, एन माइनस टू होल क्यूब। तो ये मतलब क्या होता है, बिना रंगीन रंगहीन व अंतः केंद्रीय घनों की संख्या होती है। और टोटल नंबर ऑफ कटिंग, टोटल नंबर कटिंग भी 3 ये होता है 3 कोष्टक एन माइनस वन का होल कोष्टक। तो ये क्या होता है, टोटल नंबर कटिंग की संख्या होती है। अब इस तरह से इन क्या होता है, जैसे इसमें एन, सबसे पहले हमने कुल घनों की संख्या निकालते हैं, जैसे तो एन बराबर एन का क्यूब होता है, या ये भी कह सकते हैं कि एन बराबर क्यूब रूट एन होता है। इस तरह से एन बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा होती है। अब हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार केक को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे से घनाकार टुकड़ों में विभाजित किया गया है, तो इस प्रकार कितने छोटे घनाकार टुकड़े होंगे। तो ये हमने घन बनाया है। अब इसके हमने छोटे छोटे पार्ट डिवाइड कर लिए, जो कि 1 सेंटीमीटर का छोटे टुकड़े बनाने कई, और एक बड़ा टुकड़ा है 6 सेंटीमीटर, उसमें कई छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर घन बनाने। तो अब ये घन बताना है कि घन कितने हुए इतने बड़े टुकड़े में। तो हमें यह फार्मूला होता है कि कुल घनों की संख्या बराबर यन का क्यूब होता है, और यन बड़े घनों की भुजा बटे छोटे घनों की भुजा होती है। तो यन बराबर ये क्या है, बड़े घन के भुजा है 6 और छोटे घन की भुजा 1 है, तो क्या होगा, यन बराबर 1 का भाग दे देंगे 6 में, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो यन बराबर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें यहाँ से यन का वैल्यू पता चल गई, तो हमें अब क्या करेंगे, बड़े वाले में जो यन बराबर यन का क्यूब है इसमें फार्मूला में रख देंगे। तो यन की वैल्यू में मालूम है, तो यन का क्या है 6, तो यन बराबर 6 क्यूब हो जाएगा, तो 6 × 6 × 6 216 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये 216 सेंटीमीटर है। अतः अब हमें ये फार्मूला हर एक में लगाना है, कुल घनों की संख्या बराबर यन का क्यूब होता है, और उसकी यन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, यन बराबर बड़े घनों की भुजा बटे छोटे घनों की भुजा। तो ये सवाल हुआ। अब दूसरा सवाल इसी तरह निकालते, इसमें क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि एक बड़ा घन दे दिया गया,
तो उसमें से छोटे छोटे कई टुकड़े किए गए, तो वो टुकड़े कितने हो गए, तो वहाँ संख्या 216 आई। अगर हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन दो में कि एक सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन वाले 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक छोटे घन की भुजा क्या होगी। इसमें कहा कि 8 सेंटीमीटर एक भुजा वाला घन है और इसमें 64 पार्ट में बांटा गया है, तो उसकी भुजा क्या होगी। वैसे हमें इसमें भी निकालना है, इसमें क्या है n बराबर n का क्यूब होता है। अब यहाँ n की संख्या दी हुई है 64, तो हमें n बराबर 64 दिया है और ये n इसमें, तो हमें n निकाल लें। तो n का जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, n बराबर होता है, ये देखो फार्मूला लगाएंगे, क्यूब रूट n, तो इसमें n बराबर हो जाएगा 3 क्यूब 64। तो इस प्रकार से 64 का अगर हम क्यूब देखते हैं तो 4 × 4 × 4, तो 3 × 4 = 4 होता है, तो एक हम बाहर निकाल लेते हैं तो n बराबर 4 हो जाएगा। इस तरह से जो 4 होगा, n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा होगी, और 8/4 बराबर 2 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन साल होता है, और आगे हम कल बताएंगे। इसमें दो ही क्वेश्चन और ये टोटल वाला घनों की संख्या का फार्मूला लगा है, और आगे हम दूसरे पार्ट में बताएंगे, और जो भी चीज़ें हैं हम क्लियर करते जाएंगे। और नमस्कार।